एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट वन। तो ये वाला टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट वन के बारे में। सबसे पहले इसके विस्तार की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। अब बात करते हैं भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता तो नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अनेक नाम हैं। इसको तीन नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वन तो रहेगा हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सेकंड वन है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। और थर्ड वन है हमारे पास कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, तो हम डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम तब पड़ा क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अवशेष थे वो सिंधु नदी के तट पर मिले थे, तब इस सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सेकंड वन है हड़प्पा सभ्यता। जो सबसे पुराना खोजा गया शहर था वो था हड़प्पा, तब इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। लास्ट वन है कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता कांसा बनता है तांबा प्लस टीन को मिलाकर बनता है कांसा, तब इस सभ्यता का नाम पड़ गया कांस्य युगीन सभ्यता। अगर धातु की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की गई जो धातु थी सबसे पहले वो कौन थी, तो सबसे पहले प्रयोग की गई धातु धातु का नाम है तांबा। हमारे पास सबसे पहले जो प्रयोग की गई धातु थी वो थी तांबा। अब है हड़प्पा। जो हड़प्पा है वो वर्तमान में कहाँ पर है, तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। और नदी पूछा जाए किस नदी के तट पर है, तो नदी की बात करें तो नदी रहेगा रावी। रावी नदी के तट पर हड़प्पा नगर बसा है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार तीन देशों में फैला था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था तीन देशों में। तीन देश कौन कौन थे, वो तीन देश थे भारत था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार फैला था। अगर देशों की बात करें तो तीन देश हैं, कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ तक इन सभ्यता का विस्तार फैला हुआ था। अब बात आती है कि जो हड़प्पा के जो टीले थे उनको फर्स्ट टाइम किसने देखा था। हड़प्पा के टीलों को सबसे पहले या सर्वप्रथम किसने देखा, और कब देखा था, तो 1826 ईस्वी में। और बात आती है, नाम है व्यक्ति का चार्ल्स मेसन। किसने देखा था, 1826 में चार्ल्स मेसन ने देखा था। हड़प्पा के जो टीले थे उनको फर्स्ट टाइम देखा था। अब बात आती है हड़प्पा के टीलों को
सेकंड टाइम किसने देखा? हड़प्पा के टीलों को दूसरी बार किसने देखा? दूसरी बार किसने देखा और कब देखा? तो 1856 में, 1856 ईस्वी में, और व्यक्ति हैं ब्रंटन बंधु। ब्रंटन बंधुओं किसने देखा था? ब्रंटन बंधुओं ने देखा था। ये दो पर्सन थे, दो भाई थे। ये कौन कौन थे? एक का नाम था जॉन ब्रंटन और दूसरा था विलियम ब्रंटन। विलियम ब्रंटन, इन दोनों व्यक्तियों ने 1856 में हड़प्पा के टीलों को सेकंड टाइम देखा था। एग्जाम में कई बार ब्रंटन बंधु दिया होता है तब भी राइट रहेगा, अगर इन दोनों पर्सनों का नाम है जॉन ब्रंटन या विलियम ब्रंटन तब भी राइट रहेगा। अब है कि ये क्या कर, हड़प्पा में क्या कर रहे थे दोनों, कि इन्होंने सेकंड टाइम टीलों को देखा था। तो 1856 या 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कहाँ से कहाँ तक? लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और इन्होंने क्या किया, ब्रंटन बंधुओं ने हड़प्पा से प्राप्त ईंटों का प्रयोग उस रेलवे लाइन में किया। कब किया था? 1856 में। कहाँ से कहाँ तक? लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इन्होंने हड़प्पा से जो प्राप्त इनको ईंटें हुई थी उनका प्रयोग उन्होंने उस रेलवे लाइन में कर दिया। अब है 1853 और 1856 में हड़प्पा नगर का दौरा अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। 1853 और 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा नगर या शहर का दौरा किया। 1853 और 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उन्होंने हड़प्पा नगर का दौरा किया था। अब ये व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कौन थे ये। तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, तो नाम आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के ये जनक थे। अब है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में, और उस टाइम वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। उनके समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और कब हुई थी? 1861 में हुई थी। अब है भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक। भारतीय पुरातत्व
विभाग के महानिदेशक, महानिदेशक कौन थे उस टाइम? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो थे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। अब फाइनली जो हड़प्पा का काम था, हड़प्पा सभ्यता को खोजने का काम था, वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसको दिया गया? तो जो फाइनली हड़प्पा की खोज की गई थी, तो ईयर है 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। किसने की थी? हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने फाइनली हड़प्पा की खोज की थी। और अगर पूछा जाए किसके नेतृत्व में की थी, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी, क्योंकि वो उस टाइम भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। उन्होंने, जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी जी को ऑर्डर दिया हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का या हड़प्पा में खुदाई करने का। अब बात आती है हड़प्पा की या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी और हड़प्पा सभ्यता भी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं थी इसमें? तो फर्स्ट वन रहेगा हमारे पास हड़प्पा नगर दो भागों में बंटा था। दो भाग कौन कौन थे? इसके दो भाग थे, एक था शासक वर्ग और दूसरा था आम जनता। ये दो भाग थे हड़प्पा नगर के, शासक वर्ग और आम जनता। अब नेक्स्ट पॉइंट है धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर या शहर जो तीन भागों में बंटा था। तो कौन सा शहर था? एकमात्र धौलावीरा हमारे पास है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था जो तीन भागों में बंटा था। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण इमारतें कहाँ थी? शासक वर्ग में। महत्वपूर्ण इमारतें शासक वर्ग में थी। अब इसको थोड़ा पिक्चर से समझ लेते हैं, इन पॉइंटों को जो हमने लिखे अभी। यहाँ पे बना दिया हड़प्पा का नगर। हड़प्पा का जो नगर था वो दो भागों में बंटा था। इसके कौन कौन से दो भाग थे और यहाँ कौन कौन रहता था? तो यहाँ पर इस भाग में रहती थी आम जनता और यहाँ रहता था शासक वर्ग। इस भाग को कहा गया पूर्वी टीला। क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाता है कि जो आम जनता थी वो किस भाग में रहती थी? तो पूर्वी भाग में रहती थी और यहाँ पर रहते थे, या इस भाग को कहा गया पश्चिमी टीला। इस भाग को कहा गया पश्चिमी टीला। अब शासक वर्ग में कौन रहता था? तो यहाँ पर पुरोहित रहते थे, पुरोहितों का राज था, पुरोहित रहते थे। और शासक वर्ग में जो थी वो महत्वपूर्ण इमारतें थी, हमने पॉइंट डिस्कस किया। तो जो महत्वपूर्ण इमारतें कौन कौन थी? एक था स्नानागार और दूसरा था अन्नागार। हमारे पास अन्नागार, ये थी महत्वपूर्ण इमारतें जो शासक वर्ग के पास थी। अब जो शासक वर्ग है उनकी सुरक्षा के लिए एक किला बनाया गया था,
इस किले का नाम दिया गया, इस किले को नाम दिया गया सिटाडेल, इसको नाम दिया गया सिटाडेल, और एक और नाम दिया गया दुर्गीकृत किला, दुर्गीकृत किला, एक बोला गया सिटाडेल और कहा गया दुर्गीकृत किला। अब देखो जो शासक वर्ग है उस पर बाहरी आक्रमण ना हो सके या हो जाए तो उनकी सुरक्षा के लिए ये किला बनाया गया था। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट रहेगा संपूर्ण शहरी सभ्यता, संपूर्ण शहरी सभ्यता टोटली कैसी थी, यह शहरी सभ्यता थी। अब इसमें एक पॉइंट रह जाता है, धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो तीन भागों में बंटा था। वैसे तो हड़प्पा के नगर दो भागों में बंटे थे, शासक वर्ग और आम जनता, और यहाँ था हमारे पास धौलावीरा, धौलावीरा ये था जो तीन भागों में बंटा था, एकमात्र ऐसा नगर जो तीन भागों में बंटा था। अब है संपूर्ण शहरी सभ्यता थी और पानी के निकास के लिए पक्की नालियों की व्यवस्था, पक्की नालियों की व्यवस्था थी ताकि जो गंदा पानी है वो पक्की नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जा सके। सड़कें कैसी थी, सड़कें कच्ची, कच्ची सड़कें थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और नगर किस पैटर्न पर आधारित थे, नगर ग्रिड पैटर्न, अगर पैटर्न पूछा जाए तो नगर थे ग्रिड पैटर्न पर आधारित, ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे, जो नगर था वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। ये थी हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।